क्रिकेट लवर और क्रिकेट की दुनिया में कुछ ऐसे नाम होते हैं जो रिटायरमेंट के बाद भी गुमनाम नहीं होते। उन्हीं में से एक है हमारे महेंद्र सिंह धोनी। भले उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट खेलना छोड़ दिया हो, पर जो उन्होंने उपलब्धियां, जो देश के लिए चीजें अचीव की है, जो लोगों के अंदर वो क्रिकेट के लिए प्यार, सिर्फ उनके कारण करोड़ों लोगों ने अपने आप को क्रिकेट से जोड़ के रखा है और इसी का प्यार और इसी के कारण वो आज भी आईपीएल खेलते, अपने फिटनेस पे वर्क करते हैं। ये बात उन्होंने पिछले आईपीएल में भी कही थी। उनका जर्सी नंबर 7 ये हर क्रिकेट प्रेमियों को पता है और ये इतना ज्यादा फेमस हो चुका है कि मतलब आप सोच सकते हो कि इस पे बात हुई और अभी जो निकल के आया है कि बीसीसीआई ने ये कहा है कि ये 7 नंबर जर्सी अब किसी को नहीं मिलेगा। क्या होता है ना कि आप जब क्रिकेट खेल रहे होते हैं, आपके नंबर की जर्सी आपके रिटायरमेंट के बाद कई नए प्लेयर होते हैं उनको मिल सकता है, लेकिन ये जर्सी बीसीसीआई ने खुद ही ट्रिब्यूट किया है धोनी को। और क्यों ना करे यार, जो अचीवमेंट उन्होंने दिलाई है और जिस तरीके के उनके व्यक्तित्व और जो पर्सनैलिटी है ना, करोड़ों लोगों के इंस्पिरेशन है। और जब माही खेलते थे या माही ग्राउंड में आते हैं आईपीएल में, अभी भी जिस तरीके का क्रेज, जिस तरीके का पागलपन है, करोड़ों फैंस है उनकी एक झलक के लिए पागल है। और क्यों ना हो, क्योंकि यार जितना अचीवमेंट उन्होंने दिलाया है, जो जो उपलब्धियां की है, मुझे नहीं लगता आने वाला कोई भी ऐसा कप्तान बनने वाला है या कोई भी ऐसा प्लेयर है जो इतनी अचीवमेंट दिलाएगा। कल कोई और आएगा जो मेरे से अच्छा खेलेगा, लिख के देता हूँ कोई नहीं आएगा। महेंद्र सिंह धोनी के नाम ये जर्सी ट्रिब्यूट कर दी गई है बीसीसीआई की तरफ से। और धोनी ना सिर्फ एक प्लेयर बल्कि कहते हैं ना कि किंग से बड़ा किंग मेकर होता है। हम धोनी को देखते हैं, जब जानते हैं तो पता लगता है कि उनके अंदर ऐसी बात थी कि आप एक साधारण आदमी को भी सुपर हीरो बना देते थे। आप सोच सकते हो कि वो आप जो देख लो चेन्नई सुपर किंग में, वो सारे लोग जो रिटायरमेंट के दौर में चल रहे हैं या फिर ऐसे लोग जिनको मौका नहीं मिल रहा, जिनका कोई भी करियर ने ग्राफ नहीं है, उनको अपनी टीम में लेके एकदम अचीवमेंट दिलाना और एक स्पेशलिस्ट और बढ़िया प्लेयर बना के निकालते थे। चाहे आप आईपीएल में देख सकते हो यार, रॉबिन उतप्पा जो अपने रिटायरमेंट के टाइम पे थे और उनको ऐसा खिलाया कि एक वक्त पे लग रहा था कि यार ये वही रॉबिन उतप्पा है, क्योंकि वो इतना विश्वास, इतना कॉन्फिडेंस भर देते हैं उसके अंदर। और बार बार मौका देना, उस प्लेयर के अंदर भी एक क्षमता आती है कि हाँ कोई बात नहीं यार, मैं करके दिखाऊंगा और करूंगा। वो प्रेशर उस तरीके का बिल्ट नहीं होता उनपे। ऋतुराज गायकवाड़ को देखा, एक सीजन में आधे सीजन तक फ्लॉप थे, उसके बाद धमाकेदार प्रदर्शन किया और आईपीएल ट्रॉफी तक दिला दी, शतक पे शतक ठोकना चालू कर दिया। और आज के डेट में अगर वो इंडिया टीम को रिप्रेजेंट करते हैं इतने बड़े नेम है, तो वो सिर्फ धोनी की वजह से। ऐसे कई सारे एग्जांपल है, दीपक चहर है, सरदुल ठाकुर है, जिनको मौका दिया, जिन पे विश्वास दिखाया, यहां तक कि श्रीलंका के पथिराना। और पथिराना ने तो वो चीजें जो है ना, स्टोरी पे भी अभी जो बहुत वायरल हुई थी कि मुंबई इंडियंस ने उसे कांटेक्ट किया था कि आप मुंबई के लिए खेलिए, तब उन्होंने लिखा था कि नो मनी कैन बाय लॉयल्टी। और ये प्यार है धोनी के लिए, क्योंकि हर कोई चाहता है धोनी के आसपास रहना, उनके साथ खेलना। तो बहुत किस्मत की बात है उनसे मिल पाना, मतलब पथिराना वो अपनी ड्रीम लाइफ जी रहे हैं और ये पैसों से बढ़ के है। उनको पता है वहां रहेंगे तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, वो सब कुछ जो शायद मुझे लगता है कि आज के जनरेशन के युवा प्लेयर जिनमें टैलेंट है पर वो थोड़ी सी जो कहते हैं ना एक कॉन्फिडेंस या जिस भी चीज का कह लो कि एक गट, जो एक हिम्मत है ना धोनी के अंदर, वो दूसरों में मुझे देखने को नहीं मिली। वो गेम को चलाना जानते थे, गेम के परिस्थिति को समझना जानते थे, चाहे कितना भी प्रेशर सिचुएशन हो अपने आप को काम रखना और अपने माइंड से उस गेम को अपनी तरफ कर लेना। वन एंड ओनली इसलिए धोनी कहा जाता है। और इन्होंने आईसीसी के सारे ट्रॉफीज दिलाए और ऐसे वक्त पे जब इंडिया टीम खुद को बना रही थी, आप T20 की बात कर रहे थे, उस समय इंडिया के पास इतने स्पेशलिस्ट गेंदबाज ऑप्शंस नहीं हुआ करते थे, फिर भी उस टीम के साथ ही इंडिया को वर्ल्ड कप दिलाया। और धोनी इसलिए इतने बड़े प्लेयर है और ये ट्रिब्यूट मेरे हिसाब से लगता है कि बहुत सही फैसला था। और बीसीसीआई ने सच में ये करोड़ों फैंस जो है धोनी के, उनको एक कहीं ना कहीं गिफ्ट दे दिया नए साल से पहले। क्या बात है, और मैं भी उनमें से एक हूं। और मुझे बहुत खुशी हुई जब ये बोला गया कि 7 नंबर जर्सी अब किसी को नहीं मिलेगा, ये सिर्फ धोनी के साथ था और धोनी के साथ ही रह गया। क्या बात है सर, क्या बात है सर। बाकी आप अपनी राय कमेंट में दे सकते हैं कि बीसीसीआई का ये फैसला आपको कैसा लगा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।